जय हिंद साथियों। देश में कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं सावधानी ठीक प्रकार से नहीं बरत रहे, कैजुअल हो गए हैं। आपको बता दूं कि अभी भी जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, हम जो हैं समझ लीजिए कि 70 लाख केसेस हमारे यहाँ होने वाले हैं और अमेरिका में 80 लाख के करीब केसेस हैं, तो हम बहुत जल्दी उनके करीब होते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो केसेस आए हैं उनमें आज 20,844 केसेस और अमेरिका में 14,560 केसेस। इसका मतलब है हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से उत्तराखंड में देखिए 55,000 के करीब केसेस हो गए हैं और हमारा जो डबलिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब बहुत ज़्यादा नंबर है, अगर जैसे अगर 80 दिन है तो आप समझ लीजिए कि 80 दिन में डबल होगा, तो अगर 55,000 है तो अभी करीबन तीन महीने से कुछ दिन कम समझ लीजिए लग जाएंगे केसेस को डबल होने में। मगर एक्टिव केसेस भी बहुत कम बताए जा रहे हैं, लेकिन जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, जो टेस्टिंग कम हो गई है, उधर की तरफ आपको नहीं बताया जा रहा है, इसलिए आपको भ्रमित किया जा रहा है। दूसरी तरफ हर्षवर्धन जी जो केंद्र में स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि दिसंबर तक एक वैक्सीन आ जाएगी और 25 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन जुलाई 2021 तक लग जाएगी, जुलाई 2021 तक। अब हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये वैक्सीन जो है ये दिसंबर तक आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ये तो किसी ने कहा नहीं, और ये उनको भी किसी ने नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि ये बात क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही है, उनसे नहीं कही, वैसे ही कही है। तो आप लोग बयानों को ठीक प्रकार से सुना करिए। हमारे मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि ये वैक्सीन हम तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये देखना बाकी है कि हमें कितनी मिलने वाली है या क्या होने वाला है। सावधान रहिए, हाथ धोते रहिए,